दोस्तों, प्राइम टेक विजन के एक नए और फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर में पबजी कैसे खेलेंगे। दोस्तों, वैसे कंप्यूटर में पबजी खेलने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, लेकिन आप जो मैं मेथड बताऊंगा उससे अगर आप कंप्यूटर में पबजी खेलते हैं तो आपको कंप्यूटर में पबजी खेल का एक्सपीरियंस भी मिलेगा और आपको कोई इसके पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए सबसे पहले आपको ब्लू स्टैक 3 एक सॉफ्टवेयर है, उसको आपको इस फाइल इंफो साइट से डाउनलोड करना पड़ेगा। तो मैं इसे यहाँ से डाउनलोड कर रहा हूँ, मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं इसे कट कर देता हूँ और मैं इसको इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ। ये ब्लू स्टैक वर्जन 3 है, तो इसे इस तरह से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। इसे इंस्टॉल, अभी ये इंस्टॉल होने में लगभग 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। तो ये एक बार इंस्टॉल हो जाता है तो फिर मैं इसको, इसमें कैसे पबजी खेलना है वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये इंस्टॉल हो गया है। तो इंस्टॉल होने के बाद ये फर्स्ट टाइम बूट होने में लगभग 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है। तो एक बार इसे पहले फर्स्ट टाइम बूट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसके बाद जैसे एंड्रॉयड में हमें रजिस्टर करना पड़ता है अपनी लैंग्वेज, रीजन और अपनी LID, वैसे भी इस सॉफ्टवेयर में भी हमें वैसे ही सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ता है। ये हमारी ईमेल आईडी इसमें मैं डाल देता हूँ, प्राइम टेक में अपना, और पासवर्ड डाल दिया। हाँ दोस्तों, इसके बाद मैं इसे एंटर कर देता हूँ। ये मैं एंटर कर दिया तो ये सेटअप अभी अब रजिस्टर हो गया है, रजिस्टर्ड सेटअप हो गया है। अभी से थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब अभी से फिर हम नेक्स्ट करके जो भी बैकअप का परमिशन वगैरह रहता है उसे हम दे देंगे। और तो ये दोस्तों, इस तरह से ये सेटअप कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं अपना फर्स्ट नेम डाल के इसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो इस तरह से सेटअप खुलता है। अब हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके बाद इसे हम इंजन में जाएंगे और इसमें हम पीसी के मैक्सिमम कोर्स को, सीपीयू के मैक्सिमम कोर को यूज़ कर लेंगे और एटलीस्ट हम 2 GB तक के रैम को सिलेक्ट करेंगे और इसे एक बार रिस्टार्ट कर देंगे। ये रिस्टार्ट होने के बाद फिर से एक बार सेटअप खुल गया है। दोस्तों, ये ध्यान रखना है कि हमें ब्लू स्टैक 3 वर्जन ही यूज़ करना है, 4 में ग्राफिक्स सपोर्ट नहीं करता है। तो ब्लू स्टैक 3 वर्जन को आप डाउनलोड करें, मैंने जो लिंक दिया था वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। और इस तरह से अभी मैं इसके स्टोर में जाऊँगा और स्टोर में जाने के बाद ये जैसे ही इसका स्टोर लोड होता है, मैं यहाँ से आप देखिए इसे मैं पबजी गेम को सेलेक्ट करता हूँ और इसे मैं यहाँ इंस्टॉल कर दूँगा। ये एक्सेप्ट कर लूँगा और इसे मैं प्रोसीड कर दूँगा तो ये इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। तो दोस्तों, फाइनली मेरे पास ये पबजी इंस्टॉल हो गया है। अब इसे मैं ओपन कर दिया हूँ, इसे मैं फुल स्क्रीन में करके अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये सेटअप फर्स्ट लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो इसके बाद ये पबजी गेम खुल गया है और ये फर्स्ट टाइम अपडेट वगैरह चेक करता है। तो एक बार अपडेट हो जाने के बाद ये गेम आपका पीसी में प्रॉपर्ली रन होगा। तो दोस्तों, आप ये देख सकते हैं
इसको मैं गेम को ओपन कर दिया हूँ, और मैं आपको सबसे पहले कुछ इसके कंट्रोल्स वगैरह को सेटअप करना बताऊंगा। सबसे पहले इसमें मैं आपके ये देखिए इसे कट कर देता हूँ, और सबसे पहले हम सेटिंग में जाएंगे। ये मैं सेटिंग में चला गया, और सेटिंग में जाने के बाद मैं इसके कंट्रोल्स में जाऊंगा, और कंट्रोल्स में जाने के बाद मैं इसे कस्टमाइज़ करूंगा। कस्टमाइज़ करने के बाद इसे सॉफ्टवेयर के जो कीबोर्ड से हमें मैपिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे ये देखिए कीबोर्ड मैपिंग का आइकॉन है, इसे क्लिक करेंगे तो इसे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये अपने आप जितने भी बटन्स वगैरह रहेंगे वो आपको इसमें शो करेंगे। इसे हम अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जिस बटन को हमें जहाँ अरेंज करना है, जिसके लिए अरेंज करना है, वो हम अरेंज कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ये जॉयस्टिक है तो इसमें WASD और S चार बटन हम सेलेक्ट किए हैं। इसमें W को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, इसे मैं W के जगह यहाँ देखिए मैं इसे चेंज कर दिया। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे मैं यहाँ पे W के जगह अगर कोई भी लेटर लेता हूँ तो वो ऑलरेडी यूज है, इसीलिए ये रेड हो गया। तो इसमें हमको जो अनयूज्ड लेटर है या जो भी करेक्टर अनयूज्ड है कीबोर्ड, उसे हमें यूज़ करना है। तो इस तरह से कुछ आप अपने हिसाब से इसे सेटअप कर सकते हैं, और इस सेटअप को भी आप देख सकते हैं। अगर आप ऐसे भी सेटअप कर लेंगे तो आप बढ़िया से पबजी खेल पाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं पूरे जैसे सेटअप है। अब उसके बाद इसे मैं कट करके आपको एक बार गेम प्ले करके दिखा देता हूँ। तो मैं आपके सामने ये ऐसे यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं, और इसे मैं सेटिंग कट कर दिया। अब मैं आपको गेम प्ले करके दिखाऊंगा फुल स्क्रीन में। तो सबसे पहले मैं आपको ट्यूटोरियल दिखा देता हूँ। ट्यूटोरियल में जाके यहाँ मैं आपको ये कंट्रोलिंग काम करता है कि नहीं, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, अभी मैं गेम ट्यूटोरियल ओपन कर दिया हूँ, पबजी ट्यूटोरियल। यहाँ पे आप देखिए कैमरा एंगल मैं चेंज कर रहा हूँ, तो स्विच कीबोर्ड अच्छे काम कर रहा है। तो इस तरह से कैमरा एंगल मैं चेंज कर रहा हूँ, और ये देखिए मैं अब ये आगे जा इसे प्ले कर रहा हूँ। फॉरवर्ड बैक दाएं बाएं जितने भी स्विच है सभी काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से गन को पिकअप कर लेता हूँ। गन पिकअप करने के लिए मैं अभी कोई कंट्रोलिंग रखा नहीं हूँ, इसे डायरेक्ट मैं माउस से ही सेलेक्ट करता हूँ। तो एक बार सेलेक्ट होने के बाद फिर मैं आप गन को मैं फायर करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए गन बिल्कुल फायर हो रहे हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, एकदम बहुत अच्छे से। आप इसका एक्सपीरियंस ज़्यादा ही अच्छा रहेगा मोबाइल से, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन छोटी रहती है, उसमें एम को टारगेट करने में प्रॉब्लम्स होते हैं। तो इसमें आप पीसी में खेलेंगे तो ज़्यादा कन्वीनियंस रहेगा। तो इस तरह से अब देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। करेक्टर को मैं यहाँ से मैं आगे बढ़ाता हूँ, देखिए कैमरा एंगल चेंज कर रहा हूँ, और मैं ये आगे से आगे बढ़ा रहा हूँ, फर्क कर रहा हूँ, और ये दाएं हो रहा है, इधर से दाएं बाएं सभी स्विच काम कर रहे हैं, जॉयस्टिक भी काम कर रहे हैं। तो ये देखिए, तो इस तरह से दोस्तों आप पीसी में पबजी खेल सकते हैं, और इसे फ्री में आप खेल सकते हैं, इसके लिए कोई पैसे आपको पेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।